नमस्कार, मैं साक्षी एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। औरत आपसी कलह में पति ने पत्नी और 4 वर्षीय बालक का धारदार हथियार से गला रेता, बालक की मौके पर मौत, पत्नी को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल भेजा गया। घटना बिसंडा थाना अंतर्गत औरन ग्रामीण के निवासी राम मुरत उम्र 40 वर्ष पुत्र तिरुआ रैदास ने अपनी पत्नी मीरा उर्मिला उम्र 35 साल व अंकित 4 वर्ष कल सुबह 4 बजे गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की। बालक अंकित की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। सूचना पर तत्काल घायल उर्मिला को गंभीर अवस्था में चौकी प्रभारी विनोद सिंह अपनी गाड़ी में लेकर जिला अस्पताल बांदा ले गए, जहां से उसको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पति राम मुरत पुत्र तिरुआ रैदास मौके से फरार। मौके पर मौजूद परिजनों ने बताया कि उसकी पहली शादी कैरी बिसंडा में हुई थी, जिसकी मृत्यु 15 वर्ष पूर्व हो गई थी। अभी 8 साल पूर्व दूसरी शादी उर्मिला और मीरा उम्र 35 साल के साथ पपूदी बबेरू में हुई थी। घटना स्थल पर मौजूद परिजनों ने बताया, परिवार सहित आगरा पंजाब में ईट भट्टा में पथाई का काम करते थे। दूसरी पत्नी के भाई की 13 पर शामिल होने कल शाम 3 बजे घर आए थे, जिसकी 13 संस्कार परसों बृहस्पतिवार को था, मगर आपसी झगड़ा होने के वजह से नहीं जा पाए। आरोपी की पहली पत्नी से 3 बेटियां थी। बड़ी बेटी सुमन ने बताया कि मकर संक्रांति के पास मेरी माँ ने बच्चे को जन्म दिया था, वहीं पर बरह संस्कार हुआ, सभी लोगों ने खाया पिया। उसी दिन रात को किसी बात को लेकर पापा मम्मी का झगड़ा हो गया था, तो मम्मी वहीं पर पास में अपने भाई बिंदा के घर नवजात शिशु को पापा के पास छोड़कर चली गई थी। रात को अचानक तबीयत बिगड़ने के वजह से नवजात शिशु की मौत हो गई। उसी बात को लेकर मम्मी पापा में झगड़ा हुआ और पंजाब से अपने गांव चूहकापुरवा घर चले आए। पुलिस मौके पर सीओ बबेरू राजीव प्रताप सिंह, थाना अध्यक्ष अरविंद त्रिवेदी, पुलिस बल के साथ पहुंचे सीओ सिटी राजीव प्रताप सिंह ने बताया, पारिवारिक कलह से पति ने अपनी पत्नी व पुत्र की गला रेत कर हत्या करने की कोशिश की, जिसमें पुत्र की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जांच की जा रही है। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आइए देखते हैं हमारे बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ शिव कुमार शिवहरे की खास खबर एमएनएस न्यूज के लिए। सर, घटना के बारे में बताइए थोड़ा। आज सुबह 6 बजे चूहकापुरवा में राम मुरत नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी उर्मिला और बच्चे अंकित, वह उसकी उम्र 4 साल थी, दोनों पर कुल्हाड़ी से और या किसी धारदार हथियार से, जिसकी अभी जांच चल रही है, वार किया है, जिससे कि बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है और उर्मिला को भर्ती किया गया है। अभी उसका उपचार चल रहा है, बाकी इस मामले की जाँच की जा रही है। जाँच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई औजार वगैरह कुछ समझ मिला? कुछ नहीं मिला अभी, औजार नहीं मिला है, अभी इसकी जांच की जा रही है। आरोपी के बारे में कुछ? आरोपी मौके से भाग गया, उसकी खोज की जा रही है। तो लड़ाई कैसे करते हैं? अरे वो चोट लगने के बाद क्या हुआ था? तो न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।